You just have to try harder than you fight. You might be lost like sunshine in the night. You know what they say, life's about to hate. If you wanna be someone, you don't have to wait. You just have to change. All right, अपना meetup है आज and I'm getting ready. So I'm in this decent look today, white t-shirt and jeans or brown shoes. So I'm going to the meetup, our meetup, Motovloggers meetup जो कावासाकी थाने में है. Now it is 10:20, 11 बजे meetup है. So I am all ready. थोड़ा सा मैं लेट हूँ, 10 साढ़े 10 बजे तक वहाँ पहुँचना था, बट ठीक है, that's okay. So anyways, आपको मैं सांभर दिखा देता हूँ यार. याद आया? कुछ याद आया? काफ़ी बड़ा हो गया, यहाँ पे क्यों नहीं आया आई डोंट नो, बट एनीवेज एक और काम है, शादी के साइड इफ़ेक्ट्स. ये गेहूँ लेके जाना है पीसने के लिए, चक्की, तो चक्की में मैं पीसने के लिए डालूंगा और वहाँ से अपन जाएंगे सीधा. अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि वर्सेस पे ये मैं चक्की पीसने के लिए कैसे लेके जाऊँ. तो चलो मिलते हैं सीधा कावासाकी थाने में, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग माई हीरो क्या मतलब जरूरी तो है, तो ठीक है चलो. Easier for me to be heard and to be seen. What am I supposed to do? Is it all now up to you? I am not that strong, I don't even know where I belong. Extremely fast guy. I think नाम बोलने की जरूरत नहीं, but still अच्छा रफ लगा. और गाइस इसने बाइक बहुत अच्छे से रैप किया है. बाइक बड़ी हो रही है बट वो खुद श्रिंक हो रहा है. सो सादा बाइक का बाइक से. Next we have a very exotic machine and I think personally we are interacting more deeply for the first time. Mr. Shariq V. Last but not the least, the adventure guy, WanderSane. क्या अभी तुम भी रेव करोगे? हम क्या करें, हम जैसे लोग क्या करें? इधर हमारा टाइम है, उधर खड्डों में तुम मजा करते हो. अब यहाँ खड्डे करने पड़ेंगे, खड्डे तैयार करने पड़ेंगे. हेलो, क्या नाम? कपिल देवी. कुटू नालस? चेंबूर. हाय गिप्सन, आई रिमेम्बर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द गाय जो पॉपुलर है एंड नो इंट्रोडक्शन नीडेड, मिस्टर WanderSane. तो अबाउट WanderSane, I started following. I think आपका मैंने एक Ninja 400 का वॉकअराउंड देखा था अंडर शो. तो क्या स्टोरी? तो अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है कि कौन किसके तरफ से आया पता नहीं. तो I'll talk generally. I'm Abhishek, a small city guy with some big dreams maybe. So मुंबई आया, थोड़े ड्रीम्स पूरे करने. जॉब करता हूँ मुंबई, फैमिली स्टेज इन अकोला, एक स्मॉल टाउन नियर नागपुर. If you guys don't know. मैं सब्सक्राइबर डेफिनेटली. सो राइडिंग कहाँ कब से स्टार्ट हुई? आई टॉक दैट फर्स्ट, देन आई कम टू मोटरसाइकिल. सो राइडिंग ऐसा हुआ कि 4th 5th स्टैंडर्ड से मेरे डैड मुझे हमने बिठा देते एंड मेरा गांव है, तो फ्रॉम अकोला से 30 किलोमीटर दूर गांव है. सो वहाँ पे हम लोग जाते थे, हम लोग खेत रोज जाते थे. पापा तो मैं कभी कभी आता था, तो मुझे गाड़ी लिटरली दे यूज्ड टू गिव मी द हैंडल और वो खुद हाथ ऐसे करता. मैं तभी से वो हॉटल और वो क्लच, तो क्लच दबाने पाता था बिकॉज गेयर तक पैर जाते नहीं थे, बट थ्रॉटल रिस्पॉन्स तो मैं दे पाता था. सो सिंस देन थोड़ा मोटरसाइकिलिंग अंडरस्टैंड होने लग गया फ्रॉम 4th. फिर 600 मैंने सीख लिया बाइक एंड दिस इज माई 4th बाइक एक्चुअली. एवरी बाइक आई हैव टेकन, मतलब जो भी बाइक मैंने खरीदी है वो मैंने टूरिंग के लिए यूज़ किया है. मोर इन टू टूरिंग all India हम लोग काफ़ी नेपाल एंड यू गाइस डोंट नो नेपाल चेन्नई राजस्थान साउथ का पूरा है नॉर्थ नहीं हुआ है आई एम प्लानिंग फॉर दैट वेरी सून कश्मीर साइड ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई रैंडमली यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखता था ना केम अप टू कपल ऑफ गाइस पॉगी वाज द फर्स्ट वन जिसको मैंने फॉलो किया होगी निखिल के प्ले करता है तो उन लोग का देखा मैंने सोचा कि ऐसा भी होता है ऐसा भी करके लोग लेट्स ट्राई तो तभी मैं स्टूडेंट था इन माई इंजीनियरिंग क्लास में MBA के टाइम मैंने सोचा चलो अपन ही करते कुछ मैंने चाइनीज़ कैमरा खरीदा और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एंड आई मीन आई हैव राइट नाउ 64,000 सब्सक्राइबर्स बट बहुत टाइम लगा and I worked really hard for that but I'm very happy that I have people lot of people who support me जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मिलते हैं people help so I'm grateful for that exhaust note this bike doesn't have शगुन कर देता हूँ but on bad roads ये पागल जैसे भागती है so the this is very underrated bike in India में hardly 15 और India 15 to 20 bikes in India because कोई लोग ज़्यादा लेते नहीं है because थोड़े expensive लगते हैं लोगों को but I think it is worth it normal parallel event मिलते हैं Q&A सेशन एंड सब्सक्राइब करो सो द Q&A सेशन अभी शुरू होने वाला है पीपल विल आस्क क्वेश्चंस और जूरी आंसर करेगी तो लोग यहाँ बैठ गए बिकॉज मेन स्टैंड का थोड़ा फायदा तो होना ओनली 6 months बाइक एंड सो फार द एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी गुड कावासाकी बाइक का एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा रहता है इसका मैंने एक्सपीरियंस किया है इज जस्ट 300 बट इट गोज लाइक 168 आई हैव डन ऑन दिस बाइक आई थिंक इट गोज अराउंड 175 विच इज बिग फॉर 300cc एंड इसको मैं किधर भी उड़ाता हूँ कैसे भी उड़ाता हूँ कैसे भी रखते हो द कॉन्फिडेंस आता है बिकॉज द क्वालिटी इज वेरी प्रीमियम इट कम्स विद द प्राइस बट देन आउट ऑन द रोड क्वालिटी मैटर करती है मेरे से केक कटिंग सेरेमनी और ये बंदा जो है डाइट वाला बंदा एक केक खा के और डाइट बोलेगा और वीडियो पे और बोलेगा कि ये मेरा डाइट है डाइट केक है हाँ देखिए शेरे को देखिए सीक्रेट रिवील नहीं करते सो नाइस इससे अच्छा ना अपने चारों का फोटोज अपना जो यूट्यूब का डीपी वो लगा थोड़ा ज़्यादा हो गया नहीं नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर डाइट चालू करने की कोशिश कर रहे हैं ये ऐसे वड़ा पाव खाने की टिप्स देता है मेरे को वड़ा पाव मैगी ये मेरा डाइट है ओके जिन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है थैंक यू थैंक यू मैं तो साहब अरे कहाँ से पब्लिक आया है तू सांग कुठून आलेस मी डहाणू खारघर पण नाही कुठलं तरी अरे हा महाबळेश्वरचा आहे पण महाबळेश्वर नाही आलाय महाबळेश्वर अंधेरी सोचो अंधेरी 1000 पे उड़ के आया ना कैसा लगा आपको तकलीफ कैसे हो कुठून आलेस ठाणे अच्छा ये ठाणे पब्लिक ठाणे की है कुठून आलेस मुलुंड अच्छा ये भी नजदीक से ही है कुठून आलेस ठाणे अच्छा दूर का पब्लिक ये इधर है लो ना अरे लो यार मैं ले लूंगा बाद में लो तो ये टिकट है बसलो थोड़ा वेळ 11:40 चालू करून दिला आणि मी निघालो मतलब तुम्ही एक वाजता तो तुम्ही लोक जाणार तो प्यार देखिए प्यार ये भाई साहब हमारे सब्सक्राइबर है टिकट बुक करा है फैमिली डहाणू से आया है फैमिली के साथ आया है फैमिली को थिएटर में बिठा दिया 5 मिनट थिएटर में बैठ के मीटअप करना है इसको बोलते हैं प्यार Tell me your name. Ninat Chaudhary. Ninat Chaudhary, Dhanu. कभी ये Dhanu ride करेंगे. Sure. And Babu ji को sorry बोल दो. So we all are having गपशप. बहुत सारी बातें कर रहे हैं. हर Q&A में किसी ने कुछ पूछा नहीं यहाँ पे सब लोग पूछ रहे हैं. हाँ? तो ये जो भाई साहब है सब्सक्राइबर नाम बताओ. ओमकार. तो ओमकार और मेरा थोड़ा एक अलग कनेक्शन अभी इमीडिएटली बन गया है बिकॉज एक टाइम था जब मेरे माँ बाप ने मेरी गाड़ी जब्त कर ली थी 2 साल के लिए ब्लॉग में होता है तो ये टॉकिंग अबाउट दैट। मैं भी सोच रहा था कौन सा ब्लॉग में डालना है, तो अभी इसकी गाड़ी भी जब्त कर ली तो बहुत दुख होता है ना। आपके साथ हुआ तो कमेंट बहुत सारी बातें की हमने अभी, तो इतने सारे लोग, बहुत लोग थे एक्चुअली। ये देखो टाइम 2 बज रहे हैं। मस्त मीठा हो गया, कैसा हो गया? बढ़िया बढ़िया मीठा हो गया। Q&A सेशन में इतने सारे अभी 1 घंटा आप लोग ने क्वेश्चन पूछे मेरे को, वहाँ पे साला कोई पूछ ही नहीं रहा था। मैं सोचा किसी के पास क्वेश्चन ही नहीं है, बट चलो कोई नहीं, बहुत बातें किया। और कुछ खाया हुआ कि नहीं? अरेंज करवाया थोड़ा, मैं भी थोड़ा खाता हूँ। चलो ये रहा पिटारा, इसको भी खोलेंगे। अरे यार क्या बात है सोहेल भाई, सो रेवन आर सब्सक्राइबर वो लोग बाहर गए और कुछ लेके आए मेरे लिए, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी मुझे। नहीं ये प्यार है आप लोग के लिए, मेरे पास ऐसा कोई मॉडल है भी नहीं, तो ही गॉट दिस फॉर मी। नाइस सर, थैंक यू सो मच। भगवान करे सबको ऐसे दोस्त मिले यार, सब्सक्राइबर दोस्त मिले। कहाँ रहते हो भाई? बोरिवली। सो दिस इज़ हार्ली है ना, आपको पता होगा। सो थैंक यू सो मच यार, आई मीन क्या बोलने का अभी सोहेल भाई, आपने ये दिया, इन्होंने ये दिया। थोड़ा पैकिंग वगैरह करके लाना होगा, पैकिंग वगैरह करें। अरे ठीक है चलेगा। सो राइट नाउ इट इज़ 4:31। मीटअप ख़त्म कब हुआ? आई थिंक 2:30-3 बजे तक हम लोग वहाँ थे। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सारे काम किए मैंने। क्या बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी सारे काम किए मैंने। पेंडिंग काम जो सिर्फ संडे को हो सकते हैं। सो आई गॉट दिस WD 40 ऑल्सो बिकॉज बटन्स थोड़े टाइट हो जाते हैं ना बारिश में बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर। सो यू कैन यूज़ दिस, बटन के वो गैप में थोड़ा सा डाल देने का अंदर, एंड देन उसको थोड़ा ऊपर नीचे करके हो जाएगा लूज। एनीवेज सो इट वॉज अ वंडरफुल डे, बहुत, मतलब एक्चुअली मैं बोलता हूँ ना, पहला ऐसा मीटअप है जिसमें मैंने शांति से बैठ के अपने लोगों से बात किया है। शांति से मतलब लिटरली 2 घंटा मैं एक सर्कल में था, एंड पीपल आर आस्किंग मी क्वेश्चंस एंड आई वाज आंसरिंग एंड वी आर टेकिंग सेल्फीज एंड व्हाट नॉट। दिस वाज अ टेक अवे। थैंक यू सो मच यार, मतलब रेवन थैंक यू सो मच। मुझे बहुत, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट। इसने दिल जीत लिया यार, मतलब ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बट देन ऐसा लगता है कि यार समबडी इज़ गिविंग आउट ऑफ लव। इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट, इतना ज़्यादा लव आप लोग से मिलता है मुझे। कभी कभी मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, एक्चुअली मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि यार मतलब हाउ कैन पीपल लव यू सो मच। इट वॉज अ फन डे, बहुत अच्छा मीटअप था। थैंक यू सो मच कावासाकी ठाणे मोटोसाकी फॉर अरेंजिंग सच अ ब्यूटीफुल मीटअप। बहुत सही से अरेंजमेंट किया। एक्चुअली पहले उन लोग का सिर्फ नॉर्मल मीटअप का प्लान था, लेकिन मैंने सोहेल भाई को सजेस्ट किया कि भाई ऐसा करते हैं कि यू नो खाली हाथ पब्लिक को नहीं बेचते हैं। कावासाकी एक ब्रांड है, सो यू नो शुड कैरी योर ब्रांड। थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट्स के लिए रखो, और उन्होंने अच्छा खासा रख दिया। मतलब मैंने बेसिक सोचा था, बट दे केप्ट इट वेरी वेल, ऑर्गेनाइज्ड इट वेरी वेल and executed very well. Almost 70-80 लोग आए थे, which is good amount of people based on our Instagram followers. Kawasaki also gave us this. I think मुझे पता है क्या है. Oh yeah. This is Kawasaki का mug. I thought so. So Kawasaki motorcycles. It was a wonderful day. जिन लोग ने भी जो लोग भी नहीं आ पाए, डोंट वरी एट ऑल, हम लोग मीटअप रखते जाएंगे बीच में, कभी ना कभी मौका मिले तभी। थैंक यू सो मच माई को मोटोव्लॉगर्स सौरभ एंड अरजान, राल्फ एंड शरीक फॉर हैविंग अ गुड डे, हैविंग अ फन डे एंड अ डे वेल स्पेंट। या संडे है, ठकुराइन जी पुणे में है, सो आई एम होम अलोन दिस वीकेंड, सोचा चलो ये सब भी काम कर लेते हैं अपने। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में गाइज। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग दोज़ हू केम। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, फिर से बोल रहा हूँ। तब तक खुश रहो, आबाद रहो एंड कीप व्लॉगिंग यार।